रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के एटा में बीडीओ पर जानलेवा हमला करने वालों पर सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। हमला करने वाले आरोपी प्रधान के घर को घटना के ठीक 36 घंटे के अंदर ही बुलडोजर से जमी दोज कर दिया गया है। दरअसल आरोपी ग्राम प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ बीडीओ की गाड़ी के आगे बुलडोजर खड़ा कर बीडीओ की गाड़ी रोकी और उन पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद एक्शन में आई योगी सरकार ने आरोपी ग्राम प्रधान पर 36 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए उसी अंदाज में ग्राम प्रधान का मकान जमी दोज करवा दिया। साथ ही हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही अन्य दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि अभी तो आरोपी ग्राम प्रधान के घर पर ही बुलडोजर चला है, अन्य आरोपियों के यहाँ भी इस तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला क्या है, इसे जानने से पहले आइए वह वीडियो देख लेते हैं जिसमें सीएम योगी का बुलडोजर आरोपी प्रधान के मकान को रात में ही जमी दोज करने पहुंच गया। बता दें, एटा जिले के अवागढ़ ब्लॉक पर मोहम्मद जाकिर बीडीओ के पद पर तैनात हैं। खंड विकास अधिकारी मोहम्मद जाकिर के मुताबिक वह सोमवार को कार से एटा जिला मुख्यालय से वापस खंड विकास कार्यालय अवागढ़ आ रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी बाईपास स्थित सेंट पॉल्स स्कूल पर पहुंची, तभी वहां बुलडोजर के साथ ग्राम पंचायत नगला खना के प्रधान सतेंद्र यादव अपने साथियों के साथ खड़े थे। आरोप है उन्होंने बीडीओ की गाड़ी के आगे बुलडोजर लगा दिया और जान से मारने की नीयत से बीडीओ को कार से बाहर निकालकर उन्हें लाठी डंडों से पीटा। यही नहीं, आरोप है कि आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मारपीट में खंड विकास अधिकारी को गंभीर चोट आई। खंड विकास अधिकारी ने घटना की जानकारी अपने अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बीडीओ की तरफ से संबंधित थाने में पुलिस को तहरीर दी गई। घटना की जानकारी देते हुए बीडीओ अवागढ़ जाकिर हुसैन ने बताया, क्या नाम है आपका? खंड विकास अधिकारी अवागढ़। सर, क्या घटना हुई है आपके साथ में? अभी मैं 9:45 बजे ऑफिस आ रहा था तो बाईपास अवागढ़ में जेसीबी रास्ते में खड़ी करके गाड़ी रुकवाई और 7-8 या 5-6 जो भी हों गिन नहीं पाया, हमलावर थे बाइक से। आप गाड़ी में थे? मैं गाड़ी में था, डंडे उनके हाथ में थे, रिवाल्वर थे, तो उनके पास रिवाल्वर थे या कट्टे थे,
जी बारापुर के से नहीं देख पाया। अच्छा जेसीबी से रास्ता रोका है आपने? तोड़ गाड़ी पे हमला कर दिया, उसके शीशे तोड़ दिए, फिर आधा दर्जन लाठियां मेरे ऊपर बजाई बैठे के। सर लाठियों से पिटाया? लाठियों से सर तो मैंने बचाया, हाथों से भी, फिर बाहों पे टांगों पे लाठियां को, मैंने सर और बाहों के बीच सर को दे दिया था। पुलिस को सूचना दे दी आप? पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस ने कहा है कार्रवाई। अच्छा मेडिकल के लिए आए आप? मेडिकल के। अच्छा आपने किसी को पहचाना है सर? क्या पहचानने में नहीं आ रहे, अगर वो सामने आ जाए तो पहचान लेंगे। सलीम लड़के थे 25 साल के लगभग। एटा में आवागढ़ के खंड विकास अधिकारी जाकिर हुसैन पर हुए हमले के बाद से ब्लॉक कर्मचारियों में रोष है, उनमें दहशत भी है कि जब उनके अधिकारी पर जानलेवा हमला हो सकता है, वह कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करें। घटना के विरोध में कर्मचारियों ने एकत्र होकर रोष व्यक्त किया है। खंड विकास कार्यालय पर कर्मचारियों ने अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर वीडियो पर हुए हमले की निंदा की। अध्यक्ष ने कहा कि जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी कैसे सुरक्षित होंगे। सभी में भय का वातावरण बना हुआ है। एडीओ प्रदीप कुमार, विष्णुदत्त शर्मा, निहाल सिंह, रवि कुमार, नम्रता यादव, धीरज जैन आदि मौजूद रहे। इस बैठक में ब्लॉक कर्मचारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। ये है कि हमारे वीडियो साहब को ब्लॉक आते समय रास्ता में घेर करके जेसीबी लगा करके उनकी मार पिटाई की है जी, और उन्हें हथियार भी दिखाया है जान से मारने का। तो इसलिए हम लोगों में भय व्याप्त है और इस घटना के प्रति रोष भी व्याप्त है। हम लोग भयभीत हैं कि हमारे जब बड़े अधिकारी को घेर लिया तो हमारे छोटे कर्मचारी हैं, इनको भी कोई घेर सकता है, मार सकता है, तो हम लोग ऐसे में कैसे नौकरी करेंगे जी। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी यही मांग है जिसने घटना की है वो तुरंत गिरफ्तार हो और उनके खिलाफ जो भी धाराएं बनती उनमें कार्रवाई हो, जेल जाए और हम लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के क्रम में आरोपी नगला खना के ग्राम प्रधान के घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। 2045 स्क्वायर फीट में बने मकान को जमींदोज कर दिया गया। जलेसर के उप जिला अधिकारी जगमोहन गुप्ता ने बताया कि वीडियो पर हमला करने के एक आरोपी नगला खना के ग्राम प्रधान के घर पर बुलडोजर चलाकर 2045 स्क्वायर फीट में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर बनाया गया मकान ध्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस हमले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दर्जनों अन्य आरोपी भी इस मामले में जेल जाएंगे। इनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चिन्हीकरण किया जा रहा है, जल्द ही इस तरह की ध्वस्तीकरण की और भी कार्रवाइयां होंगी। ये एक्चुअल में कल हमारे बीडीओ साहब हैं, बीडीओ आवागढ़ है ना, जाकिर जी हैं, उन पे ये सुबह 9:45 बजे इन पे हमला हुआ था। हमलावर जो है जेसीबी से रोक करके प्रॉपर इनको जो है मेन रोड पे रोक करके इन पे हमला हुआ। उसके बाद FIR वगैरह दर्ज कराई गई और पुलिस की तरफ से अरेस्टिंग भी हुआ, 3 अरेस्टिंग भी हुआ है और अभी उसमें सर्च अभियान चल रहा है। लगभग दर्जनों उसमें जाएंगे अंदर जेल में क्योंकि वो सारे आरोपी हैं। दूसरी जो अभी ये कार्रवाई हुई है शाम के समय पे हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, इसमें जो आरोपी हैं है ना, जो सतेंद्र नाम है और रोहित नाम है, जो ग्राम मौजूदा ग्राम प्रधान है रोहित है ना, ये इसका जो मकान है वो अवैध रूप से ये ग्राम समाज की जमीन पे बना हुआ है। लगभग 2045 फीट स्क्वायर इसकी जो अवैध रूप से बना हुआ था उसको हमने ध्वस्त कराया है, ठीक है। और भी जो कार्रवाइयाँ हैं हम उसको चिन्हित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी कार्रवाइयाँ हम इसके खिलाफ करेंगे। क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने वीडियो साहब पर किला मार्ग पर हमला किया था? बिल्कुल, कल ये एकदम क्लियर हो गया था, कल दोपहर तक शाम तक एकदम क्लियर हो गया था कि ये षड्यंत्रकारी यही हैं और पूरा पूरा पुख्ता सबूत है पुलिस के पास, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्रवाइयां हुई हैं आज। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रधान ने आखिर वीडियो पर जानलेवा हमला क्यों बोला, यह कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है। क्या मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है जो दबाया जा रहा है? और दूसरा अहम पहलू यह है कि SDM के मुताबिक प्रधान ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से मकान का निर्माण करा लिया था, तो सवाल यह उठता है कि जब ग्राम प्रधान ने ऐसा किया तो जिम्मेदार कहां सो रहे थे और फिर कितने सालों पहले ग्राम प्रधान ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध मकान का निर्माण किया था। क्या मकान
जमींदोज करने से पहले नोटिस की नियमानुसार कार्रवाई की गई है। फिलहाल योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। यहां तो मामला बुलडोजर का बदला बुलडोजर से दिया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।